I think Bombay Stock Exchange has added tremendous value to Indian capital market and Indian businesses. And this value, we have been the company for 25 years listed in Bombay Stock Exchange, and it has added tremendous value. Wealth creation, अगर देखें तो 25 साल के अंदर tremendous value wealth creation India में हुआ है और उसमें stock exchange का बहुत बड़ा हाथ है and gradually ये बढ़ता ही जा रहा है. Still अभी भी Indian economy में equity का share काफ़ी कम है और stock exchange active होने के कारण now I think इसका more and more investors are coming to the equity markets. So in the coming years it will create more value for the investors. Actually सबसे पहले जब हम कंपनी लिस्ट हुई थी उस समय तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही काफ़ी एक्टिव था. तो जब हमने कंपनी की लिस्टिंग हुई इससे कंपनी को आगे ग्रोथ करने में फ्रॉम ए स्मॉलर कंपनी मोस्ट ऑफ द मेनी कंपनीज इन इंडिया थ्रू द बेनिफिटिंग फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज हैज फ्रॉम द स्मॉल कंपनीज हैज बिकम बिग एंड दिस फॉर इंडियन कंपनीज टू बिकमिंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग द कैपिटल मार्केट हैज एडेड वैल्यू एंड फॉर इंटरिंग इन टू कैपिटल मार्केट इट वॉज ऑलवेज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज द मोस्ट एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री. टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लोग मोबाइल से और हर एक तरीके से एक्ट कर सकते हैं. तो विद द टाइम ऑफ चेंजिंग टाइम बी एस सी हैज बीन कंटिन्यूसली एडिंग द टेक्नोलॉजी सो दैट पीपल कैन मोर एंड मोर पार्टिसिपेट एंड इट हैज केप्ट पेस विद द इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेज एंड दैट इज वाई इट हैज बीन देयर एंड टूडे ऑल्सो आफ्टर ऑल दिस एक्सचेंजेज ग्रेजुअली इफ यू सी apart from NSE, BSE has been the only active exchange. There are other smaller exchange from Calcutta or other exchanges has not been able to keep pace. So BSE has kept pace. So that's why today also BSE and NSE are the two stock exchanges which has been creating value for Indian companies and India's rating in the international market also.